लेगी आपके ज़हन की कई गिरहें। हज़रत अबुल अहवस रज़ी अल्लाह ताला नो नबी करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, बाज़ औक़ात बंदा कुछ बातें अर्ज करता है तो महसूस होता है कि ये बंदा ना बड़ा उकता गया या बड़ा थक गया। जुमले बताते हैं कि ये ना किसी जगह बेचारा ना परेशान हो गया और बड़ी परेशानी के आलम में हजरत अबुल अहवस रज़ी अल्लाह ताला नो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा चचा जात भाईया, मैं हमेशा उसके साथ नेकी करता हूँ। यह निसाई की हदीस, हमेशा उसके साथ नेकी करता हूँ, वो मेरे साथ कभी भी नहीं करता। मैं हमेशा नेकी करता हूँ, वो कभी भी नहीं करता। हुजूर अब मैंने भी कसम उठा ली, मैंने भी नहीं नेकी करनी उसके साथ, क्योंकि मैं हमेशा करता हूँ, वो कभी करता ही नहीं। उसने कभी जवाब ही नहीं दिया मेरी नेकी का। होते हैं ना कुछ लोग, काम पड़े तो वो आ जाते हैं और हमें काम पड़े तो वो छुप जाते हैं। तो कहा कि मैंने हमेशा नेकी की, उसने कभी नहीं की। हुजूर अब मैंने भी कसम ही खा ली है कि मैंने भी नहीं करनी। तो उनके जुमलों से यूं महसूस हो रहा था कि थक गए प्यार कर कर। उस शख्स ने रवैया इस तरह का रखा कि उकता गए, कसम खा लिया, हुजूर कसम। यार जरूरी तो नहीं कि सामने वाला भी नेकी करे तो फिर ही करनी। ताल्लुक कई दफा दोनों समतों से कायम नहीं होता, एक समत से कायम होता है। दरवेश ने कहा था कि अंग यारी दा पालन औखा, जिमें तंद सूत्र दी कच्ची, एक खिचे ते दूजा छड़दा जावे, ए तां रहिंदी जे पक्की। एक खिचे ते दूजा छड़दा जावे, दोनों खेंचेंगे तो फिर वो धागा टूट जाएगा। अंग यारी दा पालन औखा, ओ जिमें तंद सूत्र दी कच्ची, एक खिचे ते दूजा छड़दा जावे, ए तां रहिंदी जे पक्की। अगर आपने निभाना है ना तो फिर जरूरी नहीं कि सामने वाला भी वफा ही करे। एक तरफ से भी वफा हो जाए तो काम चल जाता है, निभ जाती है। अल्लाह अकबर, अर्ज की या रसूलल्लाह अब मैंने भी कसम खा ली है, कसम क्या मैंने भी नहीं उसके साथ अच्छा सलूक करना, जिस तरह का वो उसी तरह का मैं। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाए नहीं तू इस तरह ना कर, तू वही फैसला कर जो ज्यादा अच्छा है, तू अच्छा सलूक ही कर। और हुजूर फरमाने लगे इस तरह कर, कसम का कफारा दे दे, तू कसम का कफारा दे दे, लेकिन सलूक उसके साथ अच्छे वाला कर, तूने सलूक बुरा।